or in this lesson, you know, the basic idea behind the problem solving is that to solve the quantitative analysis of the data. Okay. Okay, sir. Like in this problem, the typical problem wherein you would be given a series of interlinked informations like A is the father of B and also a doctor. Okay. Okay, sir. Or data like if we are talking about that A is an industrial city and B is a historical city, like this. Okay. Okay, sir. So you would be expected to have the ability to quantitative analysis. Okay. तो आपको क्वांटिटिव एनालिसिस करना है इस डेटा का. ओके, इन ऑर्डर टू रीच सर्टन कंक्लूजन. बेसिकली आपको इसको एनालाइज करना है और सर्टन कंक्लूजन पे जाना है इसके. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आपको एक इंटरलिंक डेटा दिया. इंटरलिंक डेटा का मतलब लाइक ए इज फादर ऑफ बी एंड डॉक्टर, लाइक दिस. एंड फर्दर सी इज द मदर ऑफ बी एंड एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, लाइक दिस. इस तरीके से इंटरलिंक डेटा होगा आपके पास और आपको एक क्वांटिटिव एनालिसिस करना है उस डेटा को और एक सर्टेन कंक्लूजन पे आपको पहुंचना है. ओके. ओके सर. सो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में रहते हैं. SBI, PO, क्लर्क और वी कैन से LIC, AAO और मैनी ऑफ द MBA एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक CAT और ELitmus, MCAT. ओके, इस तरीके से जितने भी जो एग्जाम्स रहते हैं हाई लेवल के, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो 6 to 7 टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग है. वो हम सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे यहाँ पे. इनका प्लस पॉइंट ये रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि अगर आपने एनालाइज कर लिया उसको क्वांटिटिवली, जो आपको इंटरलिंक डेटा गिवन है, अगर आपने उसको क्वांटिटिवली एनालाइज कर लिया अच्छे से, इट मींस आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आपके सही हो गए. ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें. जैसे अगर आपके पास एक पैराग्राफ आएगा 5 to 6, इन जनरल लैंग्वेज इसे हम पजल्स बोलते हैं. ओके सर. जो एग्जाम्स में आता है पजल्स लाइक, तो बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट जब इसके सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर देते हैं पजल सॉल्व करने में, और उसके बाद भी जो उनका कंक्लूजन रहता है वो ऑप्टिमम नहीं रहता है, उसमें भी उनके एरर्स रहती है. तो इसीलिए इसकी कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली इसको विद इन 2 or 3 मिनट्स आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो लाइक फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक दैट. फॉर्मेट कैसे होगा इस प्रॉब्लम का, देखो कि 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting in 2 rows, 3 in each. Okay. So okay. You don't know that in the first row or second row A, B, C or D, E, F. Basically first row mein kaun hoga? A, B, C, D, E, F. 6 mein se koi bhi 3 ho sakte. You don't know. Yes. Exactly. Okay. Yes. Now the some hints are there that E is not at the end of any row. D is the second to the left of F. C, the neighbor of E is sitting diagonally opposite to D. B is the neighbor of F. And so on. उसके बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे आपके, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, नाउ अगर आप इसे ट्राई करते हो विदाउट एनी मेथड, रैंडमली अगर आप इसको जो स्टेटमेंट्स है जो हिंट गिवन है रैंडमली आप उन्हें अगर चूज करके आप इसे सॉल्व करने का ट्राई करोगे, देन इट विल टेक मच ऑफ योर टाइम. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स और वी कैन से द प्रीलिमिनरी स्टेप्स कि क्या आपको देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक अ क्विक ग्लैंस एट द क्वेश्चन, लाइक एक क्वेश्चन को एक बार देखो जैसे मैंने अभी पढ़ा था. ओके. यस सर. सो दिस वुड बेसिकली दिस वुड नॉट नीड नॉट मोर देन अ कपल ऑफ सेकंड्स आई थिंक. यस सर. ओके, नाउ आई हैव सॉल्वड इट सर. ओके, सॉल्व किया आपने ये क्वेश्चन? यस सर. ओके, सॉल्व कर चुके हो आप ये? Sir, actually, it is given that E is not at the end of any row and there is 3 persons in each row. Mm-hmm. Then E is in the middle. Mm-hmm. Okay, sir. Mm-hmm. And D is second to the left of F. Mm-hmm. That means F is at the extreme end of one row and D is at another end of that same row. Mm-hmm. Okay, sir. Mm-hmm. Then B is sitting in between D and F. Okay. Mm-hmm. And E is just opposite to B and C
is diagonally opposite to C. Very good. So basically this is a type of simple type of format. Okay. Yes, simple format है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट जो स्टेप्स है अगर हम वो फॉलो करेंगे तो ये बेसिकली ज़्यादा अपने इजी सॉल्व हो सकता है. ओके सर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे. ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस स्टेप यू वुड डेवलप अ जनरल आइडिया टू व्हाट द जनरल थीम ऑफ द प्रॉब्लम इज. ओके, अगर इसे हम पढ़ लेते हैं एक दो कुछ कपल ऑफ सेकेंड्स में, एक बार पढ़ लिया तो हमें ये पता चल जाता है जनरल थीम क्या है इस चीज़ की. तो इसकी जनरल थीम हमें ये पता चली कि जनरल थीम ये है कि 6 पर्सन है जिन्हें 2 रो में हमें अरेंज करना है. ओके, नाउ द सेकंड स्टेप इज दैट डिटरमाइन द यूजफुलनेस ऑफ ईच ऑफ द इंफॉर्मेशन. हमें इंफॉर्मेशन कितनी गिवन है, 1, 2, 3, 4, हमें 4 इंफॉर्मेशन. हमें इन 4 इंफॉर्मेशन से हमें देखना है कि कौन सी प्रायोरिटी पे है, कौन सी प्रायोरिटी पे नहीं है. बेसिकली दिस इज नॉन टू बी एज अ यूजफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. And we can classify the information also, like if we can classify then A, we can classify the information like useful secondary information. If we can classify further, we can say that actual information. And more further, we can say that negative information. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चंस को देखा तो उससे हमें जनरल आइडिया, जनरल थीम पता चली क्वेश्चन की क्या है. उसके बाद हमने यूजफुलनेस उसकी फाइंड की, दैट यूजफुल सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन. सो व्हाट डज मीन बाई यूजफुल सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन और वी कैन से USI. सो यूजफुल सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें, देन यूजफुल सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इज जस्ट the first couple of sentence of the given data. Okay, first couple of sentence of the given data is known to be useful secondary information. So what is the useful secondary information in this example? Third one. No, that is not third one. The useful secondary information is 6 person A, B, C, D, E and F which are sitting 3 in each row. Okay, this is useful secondary information. Okay. Okay, sir. तो मैंने बताया कि useful secondary information usually the first couple of sentence of the given data. Okay. Okay, sir. Are such that they give you some basic information that is essential to give you the general idea of the situation. Okay, sir. Because this is the essential, ना? अगर आपके पास ये नहीं होगी तो फिर आप ये जो आपका data, आप इस data को use नहीं कर सकते हो. बेसिकली अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी मैंने ई इज नॉट एट द एंड, देन व्हाट इज द सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन कि अगर ई किसी एंड पे नहीं है तो इट मीन्स हमें कैसे पता कि कितने पर्सन मुझे एक रो में रखने हैं, कितने पर्सन मुझे दूसरी रो में रखने हैं. ओके ओके सर. सो जस्ट फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, दैट इज एंड द ट्रिक टू फाइंड द सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इज जस्ट फर्स्ट कपल ऑफ सेंटेंस ऑफ द गिवन डेटा. ओके नाउ सेकंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने बात की थी व्हाट इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, दैट इज डेफिनेटली गिवन. वेरी गुड. हां, व्हाटएवर रिमेंस आफ्टर पुटिंग असाइड द यूजफुल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज एज एक्चुअल इंफॉर्मेशन. कि जो भी हमने यूजफुल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन लिया उसको छोड़ के जो भी बचेगा दैट इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन. So this is the useful secondary information and then that is actual information. Yes. Okay. So we can say also that data minus the useful secondary information can be declared as actual information. Okay. Okay, sir. So always remember that while trying to solve a problem like this, okay, one should you should begin with the actual information. आपको start किससे करना है, actual information से. That is actual information. So start problem with actual information. Okay, sir. While the useful, the most important thing that while the useful secondary information should be in mind.
आपके माइंड में रहनी चाहिए। स्टार्ट तो आप यहाँ से करोगे कि इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ई को यहाँ पे डिस्प्लेस करोगे, ओके। बट यू शुड कीप इन माइंड दैट व्हाट इज द यूजुअल सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली, ओके। यस सर, वो आपको याद रहेगा कि आपके पास तीन स्पेस है लाइक दिस, तभी आप उसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हो ई को, है ना। तो ये चीज इस तरीके से दो स्टेप हमें फॉलो करने हैं। और थर्ड स्टेप जो मैंने बताया था, जो थर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है, दैट इज नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। जो थर्ड इन्फॉर्मेशन दैट इज नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, तो लाइक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इज नथिंग स्पेशल इन्फॉर्मेशन, इट इज जस्ट द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ओके। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमने अभी देखा, लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशंस हैं, इनमें कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है? नहीं, yes, नहीं है। वन ई इज नॉट एट द ई इज नॉट एट द एंड ऑफ द एनी रो, सो दिस इज द नेगेटिव। सो एक्चुअल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ओके। सो अ पार्ट ऑफ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव और वी कैन से पॉजिटिव, यस, अफर्मेटिव, तो ये सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। सो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन डज नॉट इन्फॉर्म अस एनीथिंग एग्जैक्टली, ओके, ओके, बट इट गिव्स अ चांस टू एलिमिनेट अ पॉसिबिलिटी। अगर अगर इसने आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी सॉल्व करने के लिए, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसने कि इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, आपको इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट इसने क्या किया, इसने आपको चांस दिया टू एलिमिनेट अ पॉसिबिलिटी, ओके। सो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का ये रोल रहता है क्वेश्चन के अंदर। समथिंग वी कैन से ऑल, वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज नॉट द मदर ऑफ ए, ओके, दीज सेंटेंस आर कॉल्ड द नेगेटिव, ठीक है। सो अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्वेश्चन में आपने ये स्टेप्स फॉलो किए कि उसे आपने कपल ऑफ सेकंड्स उसे देखा, जनरल थीम पता की इसकी, उसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखी क्या है, व्हाट इज़ द यूजफुल सेकेंड इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द क्रूशियल, एंड उसके बाद आपने एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें से फाइंड की, फिर आपने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देखी, और उसको जब आप एक मेथड्स के अंदर जैसे एनालाइज करोगे, तो 6 to 7 मेथड है यहाँ पे हम पढ़ेंगे हमारे सभी लेक्चर में, लाइक द प्रॉब्लम्स द फर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक कैटेगराइजेशन, है ना, कैटेगराइजेशन पे प्रॉब्लम्स रहेगी। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स लाइक अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, वी कैन से सिटिंग अरेंजमेंट और लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट कंपैरिजन प्रॉब्लम्स लाइक हाइट कंपैरिजन, एंड वी कैन से एरिया कंपैरिजन लाइक दिस, फिर ब्लड रिलेशन, यस, एंड ब्लड रिलेशन एक तो नॉर्मल होता है, जैसे किसी ने ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, एंड वट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज टू, है ना, ये सिंपल रहता है। बट ब्लड रिलेशन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, कपल ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, और उसके बाद 5 to 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो उसके अंदर हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आएगा इसका, दैट इज ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन, ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन, आपको प्रोफेशन भी गिवन होगा, दैट ए इज द फादर ऑफ बी एंड ए इज ऑल्सो अ डॉक्टर लाइक दिस। उसके बाद कंडीशनल आएगा आपका, कंडीशंस गिवन होगी लाइक मैथमेटिकल कंडीशंस भी गिवन हो सकती है, एंड अदर कोई कंडीशंस भी गिवन हो सकती है। तो ये 6 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करेंगे, ओके। बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल बेसिकली क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपने ये देखा, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग था, ठीक है। बट अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, तो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, जो आपने कंसेप्ट बनाए हैं कि एक्चुअली मुझे क्या करना है, कि सबसे पहले मुझे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं उन्हें एक साइड में कर लेता हूँ, अगर आपके कंसेप्ट एक स्ट्रॉन्ग है, तो एक आप अलग कॉन्फिडेंस से उस पजल को सॉल्व कर सकते हो। यस सर, समझ में आई चीज आपको? यस सर, ओके। सो अब ये इस तरीके से आप स्टेप याद रखना, और उसके बाद हम एक्चुअली इनको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके, ओके सर। सो फॉर एग्जांपल, इफ वी परफॉर्म द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यूजुअल सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, दैट इज द एग्जांपल, सो डिसाइड कि हम
किस तरीके से उसके सेंटेंस को हम चूज करेंगे। लाइक अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो वी वुड कीप इन माइंड दैट देयर आर सिक्स पर्सन ना इन टू रो थ्री ईच एंड ई इज नॉट एंड द एंड ऑफ एनी रो, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, हम बिगन किससे करेंगे, किस से बिगन करेंगे आप बताओ। अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहोगे क्वेश्चन को, तो आप कौन से किस सेंटेंस से इसको स्टार्ट करना बिगन करोगे? एक्चुअली डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, या डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ और बी इज द नेबर ऑफ ए, बिकॉज ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट क्वेश्चन विद लेस कॉम्प्लेक्सिटी। यस ओके, कि बी इज द नेबर ऑफ एफ एंड डी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, इस तरीके से। yes. तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अब और एग्जांपल्स करते हैं हम इसके, ठीक है। ये तो एक बेसिक आइडिया था, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, और ऑलवेज इट इज माय एडवाइस दैट ऑलवेज कैच द कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, ओके, नॉट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट एनी कंसेप्ट। ओके सर, बेसिकली आप अगर रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नो डाउट, प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, नो डाउट, बट एक जो कॉन्फिडेंस जो आता है वो कॉन्सेप्ट से ही आता है। इफ़ यू नो द कंसेप्ट देन यू कैन इजिली फाइंड एनी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। ओके, आप डेफिनेटली आप उसे सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यू नो द बेसिक्स बिहाइंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्वेश्चन, लाइक वट इज अकर इन द क्वेश्चन, क्या हो रहा है उस चीज में, है ना। यस सर, यस सर।